अगले दिन का शेष भाग अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, पार्ट टू जो मैं अगले दिन पढ़ाया था, माँ मेरी छुट्टी हो गई का शेष भाग आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। दूसरे दिन फटिंग कहीं दिखाई नहीं पड़ा। चारों ओर पड़ोसियों से पूछताछ करने पर भी उसका आता पता नहीं लगा। उस दिन रात से ही लगातार सावन की रिमझिम बरसात हो रही थी। फटिंग को खोजने के लिए वे लोग दिखते रहे। अंत में जब फटिंग कहीं भी नहीं मिला तो विश्वंबर बाबू ने पुलिस को खबर कर दी। सारा दिन बीत गया। शाम को घर के सामने पुलिस की एक जीप आकर खड़ी हुई। पुलिस के दो आदमियों ने फटिंग को पकड़कर गाड़ी से उतारा। उसका शरीर कीचड़ में लथपथ था। आंख मुंह लाल हुए पड़े थे। वह थर थर कांप रहा था। फटिंग को देखते ही मामी बोल पड़ी, इस लड़के ने भी हमें कितना परेशान कर डाला, इसे इसके घर भेज दो। फटिंग रोता हुआ बोला, मैं तो अपने घर ही जा रहा था, ये लोग पकड़ कर वापस ले आए। फटिंग को बुखार आ गया और उसका बुखार पड़ता ही जा रहा था। वह सारी रात बड़बड़ाता रहा। विश्वंबर बाबू डॉक्टर को बुला कर ले आए। फटिंग ने अपनी लाल लाल आंखें छत की ओर देखते हुए खोली, फिर बोला, मामा जी मेरे स्कूल में छुट्टी हो गई है क्या? क्या मैं घर जा सकता हूँ? विश्वंबर बाबू रुमाल से आंसू पोंछ कर प्रेम से फटिंग के बुखार से तपे हाथ को अपने हाथों में लेकर उसके पास जाकर बैठ गए। फटिंग फिर कुछ बड़बड़ाने लगा, माँ मुझे मत मारना, माँ मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई गलत नहीं की। दूसरे दिन थोड़ी देर के लिए फटिंग को होश आया। किसी को देखने की उम्मीद में वह कमरे के चारों ओर निरर्थक दृष्टि से देखता रहा। फिर निराश होकर चुपचाप दीवार की ओर मुंह फेर कर सो गया। दूसरा दिन भी बीत गया। डॉक्टर चिंतित और उदास होकर बोले, हालत ठीक नहीं है। धीमी रोशनी में विश्वंबर बाबू फटिंग के सिरहाने बैठकर हर पल उसकी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे। फटिंग खलासियों की तरह पकने लगा। एक घुमाव नहीं मिला, दो घुमाव नहीं। कलकत्ता आते समय उसे थोड़ा रास्ता स्टीमर से तय करना पड़ा था। उसने देखा था कि खलासी लोग रस्सी फेंक कर पानी नापते थे और सुर में नाम पुकारते थे। ठीक उसी समय फटिंग की माँ बहुत तेजी से कमरे में घुसते ही जोर से रोने लगी। विश्वंबर बाबू ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया। फटिंग की माँ फटिंग के बिस्तर पर गिरकर ऊंची आवाज में रो रो कर कह रही थी, फटिंग सोना मानिक मेरे। फटिंग ने कुछ पल के लिए हाथ पैर पटकने बंद कर दिए और बोला, क्या माँ
बोली, बेटा फटिक मेरे अच्छे बच्चे। फटिक ने धीरे से करवट बदली, फिर किसी की तरफ देखे बिना ही धीरे से बोला, माँ मेरी छुट्टी हो गई, माँ मैं अब घर जा रहा हूँ। बच्चों अब कुछ शब्दार्थ नीचे दिए जा रहे हैं, जिसे आप लोग अपने नोटबुक में लिख कर इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसे आप स्वतः हल कीजिएगा। अभ्यास कार्य क्वेश्चन नंबर 1, सही उत्तर पर 9 का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2, कहानी के अनुसार सही विकल्प पर 9 का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3, शब्द और अर्थ का उचित मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, सही शब्द चुनकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, जिसे मैं क्वेश्चन 5, 6 और 7 लिखकर अगले दिन भेजने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।